आपको बता दें कि लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल हुई विपक्षी एकता की बैठक को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता की बैठक सुपर फ्लॉप रही, जल्द आप लोगों को बुलाकर सूचित करेंगे। हमारे नेता चिराग हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे, इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी, देखिए इस वीडियो में। नहीं, लालू जी फिट हो गए हैं, अच्छा है। लालू जी के स्वास्थ्य की हम लोग और कामना करेंगे और फिट हो जाए, बढ़िया है। एक सुधेरगुल की बात हो रही थी हमेशा कि दूल्हा कौन है इस पूरे विपक्षी गठबंधन का। कल सांकेतिक भाषा में लालू जी ने राहुल गांधी को ये आशीर्वाद दे दिया है कि अब आपको दूल्हा बनने का समय आ गया है, क्या कहेंगे? बस यही हम चाह रहे हैं। बड़ी अच्छी आपने सवाल पूछा है। तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बजाय दूल्हा घोषित कर देना चाहिए था, ये दुर्भाग्य है। आपने देखा होगा केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले चले गए थे, क्या इससे होता है, क्या लगता है आपको महागठबंधन? कल बहुत अच्छा मौका था, जितने 15-16 आए थे विरोधी चेहरे, सब मुख्य रूप से मिलकर के उनको घोषणा कर देना चाहिए था दूल्हा, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि इन लोगों की नीति ठीक नहीं है, नियत ठीक नहीं है। ये सब लोग अपना अपना स्वार्थ के लिए एक पिकनिक टाइप इकट्ठा हुआ। नहीं, हमको दर्द नहीं हो रहा। जिस हिसाब से देश में एक माहौल बनाया गया था कि अब पटना में बैठक होगी, विपक्ष के सारे चेहरे मौजूद होंगे, और जिस हिसाब से हवा निकली, उस मतलब जिस हिसाब से खुश किया वो कार्यक्रम, इस पे हम लोग को थोड़ा अपना पक्ष रखना। देखिए इतना बता दीजिए कि चिराग पासवान कब मंत्री बनेंगे, वो तारीख आपने बता दी, लेकिन बनेंगे कि नहीं बनेंगे? अच्छा, एक चीज बताइए धीरज जी, एक चीज बताइए, चिराग पासवान जी को मंत्री अगर बनना प्राथमिकता रहता तो 2020 में हम एनडीए छोड़ के अलग नहीं होते और हमारे नेता मंत्री होते। मंत्री पद मैं फिर बोल रहा हूँ कि प्राथमिकता में नहीं है, हमको चाहिए बिहार का मान सम्मान, जो गौरवशाली इतिहास उसको वापस करना, बिहार को फर्स्ट राज्य का दर्जा दिलाना, बिहारी अस्मिता जो गौरवशाली उसको पाना, ये मेरे नेता का पहला आज ही मिले तो दरकिनार कर देना एकदम। नहीं देखिए, दरकिनार नहीं करेंगे, हमारा पहले बहुत कुछ है। बिहार में मान लीजिए आने वाला चुनाव है, सम्मानजनक सीट समझौता है, मंत्री पद महत्वपूर्ण नहीं है। सब चीज का अगर बातचीत होगी, अगर उस पर बेहतर आएगा तो उसमें सोचा जाएगा, पार्टी सोचेगी। आप लोगों को लगता है हाजी जी की जो दावेदारी हुई है, चाचा जी उससे परेशान नजर आ रहे हैं? बोला कि लालू प्रसाद यादव के साथ क्या लालू के साथ भी जाने की संभावना? हम नीतीश कुमार जी की तरफ से स्पष्ट रूप से कह रहे हैं उनके साथ नहीं जाएंगे, लालू के साथ जा सकते हैं। अब देखिए, ये राजनीति में कब किधर जाना ये कोई नहीं कह सकते हैं कि आज कहाँ है हम कल कहाँ जा सकते हैं, इस पे राजनीति का रास्ता खुला रहता है, ये स्पष्ट रूप से आप लोग जानते हैं। व्यक्ति बसरते देश में एक पार्टी है जिसके साथ हम नहीं जा सकते, वो जनता दल यूनाइटेड है, बाकी हम नहीं कह सकते कि किसके साथ जा सकते हैं किसके साथ नहीं जा सकते। आप लोग हाजीपुर की सीट की दावेदारी कर रहे हैं, चाचा जी थोड़ा परेशान नजर आ रहे हैं? देखिए, चाचा जी जो कुकृत्य किए हैं, जो अपने पुत्र समान भतीजे के साथ पाप किए हैं, उसको भोगना पड़ेगा। आप चाचा जी इतना बड़ा करने के बाद, मान लीजिए उनको पार्टी तोड़े, चाचा को अकेला छोड़े, अब फिर उनके भगवान समान बड़े भाई के मरे हुए एक साल भी नहीं हुआ, एक साल के अंदर इतना बड़ा उन्होंने, मैं पाप कहता हूं उसको, किए हैं। तो चाचा जी अब आज कैबिनेट मंत्री हैं, इतना बड़ा पाप करने के बाद उनको नीतीश कुमार जी की कृपा से उनको मंत्री पद मिला, वो तो कैबिनेट मंत्री, भारत सरकार चेहरा उनका जब बने तो आपने देखा होगा चमक रहा था, लेकिन आजकल देख रहे होंगे जब चिराग जी का नाम आता तो चेहरा का हवा उड़ जाता है। ये उनको मतलब धीरे धीरे उनको याद चिराग जी के नाम सताने लगा है। तो मैं एक भी चीज और बता दूं कि धीरे धीरे ये सताने वाला सिलसिला ना बढ़ेगा, रात में उनको नींद नहीं आएगी, चिराग जी जब भी सपने में आएंगे उठ के बैठ जाएंगे, ये उनका अब उनका जो प्रायश्चित है वो ऐसे ही कटेगा। लेकिन आप लोग दावा ठोक रहे, वो कह रहे कि सवाल ही पैदा नहीं होता है। अरे हमारे यहाँ कौन दावा ठोका है, एक चीज बताइए, हमारे यहाँ कभी हमारे नेता चिराग पासवान जी बोले हैं क्या? हमारे नेता चिराग पासवान जी कभी पशुपति पारस जी का नाम तक नहीं लेते हैं। एक चीज मैं बता दूं, आप कहीं भी उनके दिखा दीजिए हमको, तो बता दीजिए कौन। हाँ तो हमारे एकदम नहीं छोड़ेंगे, इसलिए नहीं छोड़ेंगे कि हम कहते हैं कि हमारे नेता संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का कर्म क्षेत्र है, क्यों छोड़ेंगे हम उसको, एकदम किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। अरे हम अब हमको ले, देखिए जिसको ये हमारी शर्त है मंजूर होगी वो हमको साथ लाएगा,
जिसको नहीं मंजूर होगी नहीं जाएगा। देखिए ये मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि पार्टी का एक एक कार्यकर्ता की चाहत है कि हमारे नेता, हम देखिए प्रदेश अध्यक्ष नहीं लेकिन मैं व्यक्तिगत एक कार्यकर्ता हूँ पार्टी का पहले तब प्रदेश, मेरी चाहत है कि हमारे नेता हमारे संस्थापक की कर्मभूमि से चुनाव लड़े। अरे ये सब आप लोग देखिए कहीं विषयांतर मत होइए, बहुत बढ़िया से आप लोगों को जल्दी से जल्दी जिस गठबंधन में जाएंगे हम लोग आप लोगों को बुला करके बजाते बता करके उस गठबंधन में जाएंगे, ससम्मान जाएंगे और सीटों के चयन हो जाने पर बढ़िया सम्मानजनक सीट समझौता कर जाएंगे। तो लग रहा था कि नहीं बिहार की धरती से बड़ा एक महागठबंधन महागठबंधन का शुरुआत होगी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कल की महागठबंधन लगभग 3 बजे तक जाते जाते हमको लगता है पूरी तरह से खुश हो गया, एक बड़ा विस्फोट जो होने वाला था वो टाइम टाइम फिक्स कर गया। महागठबंधन 3-4 बजे तक हमको लगता है कि उसमें कई सारे लोग जाने के लिए जल्दी जल्दी निकल गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय हमको लगता है उसमें आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोग देखा होगा, और उसमें यह स्पष्ट हो गया कि कहीं इन लोगों की कोई एकजुटता नहीं है, ये स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने अपने स्वार्थ के लिए, जैसे केजरीवाल जी हैं अपने राज्यसभा में वो चाहते हैं कि हमारे जो उनके खिलाफ जो आया है उस पर वोटिंग चाहते हैं, कोई चाहता है कि मेरे खिलाफ चुनाव कांग्रेस नहीं लड़े, कोई चाहता है कि मतलब अपना अपना स्वार्थ है। तो ये महागठबंधन लगभग फेल कर गया और बहुत सारे देश के विपक्ष के बहुत बड़े चेहरा, जैसे मान लीजिए बहन मायावती जी बसपा की, आपके बगल के नवीन पटनायक जी, जगन मोहन रेड्डी जी आंध्रा के मुख्यमंत्री, बहुत सारे लोग, और तेलंगाना के जो शुरुआत इस मुहिम की किए थे चंद्रशेखर राव जी, वो भी लोग नदारद थे। तो कुल मिला जुला करके मेरे पार्टी का तरफ कहना है कि नीतीश कुमार अपने इस मिशन में फेल्योर हो गए और ये महागठबंधन एक फोटो सेशन बन के रह गए, सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए और एक पिकनिक हुआ। ये मेरा आरोप भी है कि बिहार की गरीबों का जो पैसा है, अभी किसान बदहाल स्थिति में है, बिहार बदहाल स्थिति में है, लेकिन उसका पैसा लोगों को व्यंजन खिलाने में खातिरदारी में व्यर्थ का गया और ये उनका मिशन शुरू होने से पहले ही फ्लॉप कर गया। अब आगे आप लोगों को कुछ